तो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, वाली वीडियो में फिर से खेलने जा रहा हूँ WR3D, और इसमें मैच करने जा रहा हूँ कर्ट एंगल वर्सेस द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। और मैं इसमें ब्रॉक लेसनर को कंट्रोल कर रहा हूँ। इनका मैच साथ से हुआ भी है, बैकलेस में हुआ था, पता नहीं इनका मैच हुआ भी है क्योंकि बहुत पहले हुआ था, जब वो मतलब ब्रॉक लेसनर जब जवान वाले ब्रॉक लेसनर थे तब हुआ था इनका मैच। तो यहाँ पर मैच शुरू हो चुका है, और ये शायद से मैं F5 लगाने जा रहा था, तो वो मैंने शुरू में मतलब पटना शुरू हो गया ये, और ये बेली टू बेली सुप्लेक्स था शायद से। और ओ तेरी भाई साहब, ये कर्ट एंगल हाई फ्लायर सुपरस्टार है कैसे, तो मैं रिंग के बाहर कहाँ से आ गया। ये वैसे भी काउंट आउट से मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा वो होती है, तो अंदर चलते हैं रिंग के जल्दी से। और ये लगा दिया मैंने बेली टू बेली। ब्रॉक लेसनर को लेके खेलने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का जो वो सुप्लेक्सिटी है वो मुझे बहुत मतलब बढ़िया लगता है। तो ये इतनी जल्दी पिनफॉल, अरे कर्ट एंगल अभी मतलब कुछ मार तो लो ब्रॉक लेसनर को, और यार कर्ट एंगल का फिनिशर आने वाला है इतनी जल्दी। तो ये फॉर बेली टू बेली सुप्लेक्स, और मेरा फिनिशर तो भी बहुत दूर है। और ये एक और मैं यहाँ पर सुप्लेक्सिटी लगाने जा रहा था, और ये रिवर्स कर दिया, और कर्ट एंगल फिर से पिनफॉल मत कर यार कर्ट एंगल, अभी इतनी जल्दी पिनफॉल कहाँ से हो जाएगा। और ये सुप्लेक्स लगाने जा रहा था, वो तो मैंने रिवर्स कर दिया। ये हो क्या रहा है, ये मतलब कर्ट एंगल इतना रिवर्स क्यों कर रहा है। और ये एक पहला F5, लेकिन अभी मैं पिनफॉल नहीं करूँगा क्योंकि मेरी कर्ट एंगल की हेल्थ भी बहुत है, तो पिनफॉल तो होने वाला है नहीं। तो मैं कहने वाला था, मैं लगाता हूँ यहाँ पर सुप्लेक्स, तो बंदे ने रिवर्स ही कर दिया। और ये साइड स्लैम, तो अब लगाता हूँ मैं इसे सुप्लेक्स, जो कि मुझे ये बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि इसे बहुत ही कम बंदे रिवर्स करते हैं। तो ये फिनिशर मेरा आने वाला है, और कर्ट एंगल का जो फिनिशर बार है वो मैंने कम कर दिया है। और ये वैली टू वैली लगाने जा रहा था, और ये फिर से रिवर्स कर दिया इस बंदे ने, और ये सबमिशन होल्ड में डाल दिया है, और मेरा फिनिशर बार यहाँ पर फिर से कम हो रहा है। एक तो ये रिवर्स नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, अरे रिवर्स हो रहा है, जल्दी रिवर्स हो। और गाइस, ये जो मतलब जो ब्रॉक लेसनर के यहाँ पर जो टाइटल जो लग रहा है, नहीं है ये टाइटल नहीं है, ये पता नहीं है मोड में कोई ग्लिच है। नहीं, आप सोचोगे ये टाइटल कहाँ से आ गया ये ब्रॉक लेसनर के पास। तो ये लगा दिया मैंने सुप्लेक्स। और गाइस, एक और लगाते हैं, और उससे पहले फिर से रिवर्स कर दिया कर्ट एंगल ने। और क्या मतलब फिनिशर आने वाला था, इस बंदे ने कम कर दिया फिनिशर बार, और ये सुप्लेक्स, और ये रेफरी बीच में वैसे ही आ रही है पता नहीं क्यों पिटने के लिए। तो एक और लगाता हूँ मैं यहाँ पर सुप्लेक्स। अब तो भाई जो कर्ट एंगल को मैं सुप्लेक्सिटी भेज रहा है, और ये और साइड स्लैम लगाने जा रहा था, लेकिन फिर से रिवर्स। यार ये कर्ट एंगल इतना रिवर्स क्यों कर रहा है, तो रॉप ब्रेक हो गया है, और जल्दी से उठ जा भाई ब्रॉक लेसनर। और ये बंदा बाहर जा रहा था कैरिंग के, तो ये F5 एक और। आज तो मैं सुप्लेक्सिटी और F5 की बरसात करने वाला हूँ इसमें, और कर्ट एंगल के सर से खून भी निकलना शुरू हो चुका है। और गाइस, ये देख लो, ये WWE बैकलेस का अरीना है, ये देखो इसमें कितना बढ़िया लग रहा है मतलब। और तो फिर से इस बंदे ने रिवर्स कर दिया, यार ये कितना रिवर्स कर रहा है ये कर्ट एंगल, इतना रिवर्स मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा। और ये पिनफॉल, अरे रॉप ब्रेक होगा यार, ये इसे पिनफॉल करने की बहुत जल्दी है कर्ट एंगल को। और ये टॉप रोप पे जा रहा है, और जल्दी से मैं बसता हूँ इसे, तो अभी तो ये कूदेगा नहीं। और अरे यार, मैं मतलब इसे गिरा के भागने वाला था, बट पता नहीं क्या हुआ, और ये रिवर्स नहीं हो रहा अभी। और गाइस, कर्ट एंगल की हेल्थ और मेरी हेल्थ मतलब एकदम बराबर ही है, थोड़ी बहुत मतलब मेरी हेल्थ ज़्यादा होगी। तो एक और सुप्लेक्स। और गाइस, आपने अगर मतलब जो मेरी WR3D की सीरीज है अगर वो नहीं देखी है, तो इसको देखने के बाद वो भी देख लेना, उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, और आपको पता भी चल जाएगा कि मैं कौन सी सीरीज की बात कर रहा हूँ।
तो अभी तो यहाँ पर मैच को एंजॉय करो। और अगर आपको मतलब ऐसी WR3D की या फिर और गेम्स की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दो, और इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आती है तो लाइक भी कर देना। तो मेरा फिनिशर आने वाला है, बस एक और सुप्लेक्स और लगा दो। अब आप मैच में देख ही रहे होगे मतलब मैंने कितने सुप्लेक्स लगा दिए इसे कट एंगल को। ये एक और, क्योंकि ये बंदा पता नहीं क्यों रिवर्स बहुत कर रहा है ना, तो कर्ट एंगल की हेल्थ देखो बिल्कुल भी नहीं रही है। और मेरा फिनिशर आ चुका है, अब लगाते हैं यहाँ पर F5। तो ये उठा के F5, तो जल्दी से करते हैं यहाँ पर पिनफॉल 1। ओ भाई, अरे यार ये मतलब फिनिशर खा के भी और हेल्थ भी नहीं है बंदे के पास, और बंदे ने 1 में ही आउट कर दिया। और ये एक और F5, और ये देखो ये बंदा मुझसे पहले खड़ा हो गया, मतलब F5 मैंने लगाया और खड़ा ये बंदा हो गया पहले। ये मैच में ये क्या सीन हो जाता है। और देखो ये कर्ट एंगल पर मतलब चला भी नहीं जा रहा है, सिर से खून निकल रहा है। और ये एक और रिवर्स, मतलब आप इस मैच में ये देखते रहो ये कर्ट एंगल कितनी बार रिवर्स करता है। तो अब मैं रिवर्स करता हूँ जल्दी से, ये बंदा ऐसे मानेगा नहीं। तो सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स लगाता हूँ और साइड स्लैम लगाता हूँ, फिनिशर भी आ जाए साथ से जब तक। तो एक बार अपन पल देख लेते हैं, 1 2। और ओ यार मैंने सोचा मतलब 3 होने वाला था, बिल्कुल रेफरी ने मतलब हाथ रख ही दिया था बिल्कुल रिंग पे। तो ये देखो ये चलने की हालत में नहीं, लेकिन बंदा हार नहीं मानेगा और रिवर्स पे रिवर्स करेगा। और गाइस आप कमेंट नहीं बता सकते हो मतलब मैं और कौन से गेम की वीडियो डालूँ। तो ये F5 फाइनली पड़ गया है और फिर से पिनफॉल कर रहा हूँ मैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं बार बार पिनफॉल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये बंदा हारने का नाम नहीं ले रहा। मतलब मैंने फिनिशर लगा दिया तो तक तो इस बंदे ने 1 में एक आउट कर दिया। और ये वैल्यू टू वैल्यू सुप्लेक्स, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से कोई नहीं जीत सकता कर्ट एंगल। और ये एक और सुप्लेक्स सिटी भेजना ही है आज मुझे कर्ट एंगल को, और फिर से बंदे ने रिवर्स कर दिया। और ये रेफरी को वैसे ही मतलब पीटे जा रहे हैं। और ये 1 2 वॉइस ऑफ, और ये पिनफॉल हो गया था मेरा, मैंने कैसे किक आउट करा तो मुझे ही पता है। और ये एक और साइड स्लैम, और अब पिनफॉल 1 में किक आउट कर दिया। मैं बार बार पिनफॉल करके इसलिए देख रहा हूँ कि अब पिनफॉल हो जाए, बट ये बंदा हार नहीं मानेगा। अब तो मैं एंड में पिनफॉल करने वाला हूँ। तो ये एक और F5, मतलब इस बंदे ने कितने F5 खाली हैं। अब कवर करता हूँ 1 2 एंड 3, गाइस जीत चुके हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रो।